जब हमारे पास घड़े थे हम बीमारियों से दूर खड़े थे, अब हमारे पास आरओ है और बीमारियां हजारों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सहानी रेडियो हिंदुस्तान से। आज का टॉपिक है जल ही जीवन है। जल जिसके बगैर जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल को बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही होगा। हम हमेशा से यह सुनते रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल, या यूँ कहें कि सभी संजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग 1/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है, इसमें से भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। नगरीकरण, औद्योगिकरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाते हैं। आने वाले वर्षों में जल का संकट बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा, ऐसा मानना है विश्व आर्थिक मंच का। इसी संस्था की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया भर में 75% से ज़्यादा लोग पानी की कमी के संकटों से जूझ रहे हैं। 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि जल संरक्षण का संकल्प लेकर अन्य लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने का एक दिन है। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और संबंधित ढेरों समस्याओं को जानने के बावजूद देश की बड़ी आबादी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोगों जल की महत्वता को समझ रहे हैं, लेकिन जिसे बिना किसी परेशानी के ही जल मिल रहा है, वे ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने, गैर ज़रूरी कार्यों में पानी को निर्ममतापूर्वक बहाया जाता है। प्रदूषित जल में ऑर्सेनिक, लोहांस आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी व्याधियां उपलब्ध हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारी का कारण असुरक्षित व दूषित पेयजल है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि विश्व में करीब 1.10 अरब लोग दूषित पेयजल के को पीने के लिए मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय है। इस दिशा में अगर सभी लोग सही कदम ना उठाते हुए सार्थक पहल करेंगे तो बहुत हद तक यह स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है, अन्यथा कुछ आने वाले समय में यह स्थिति बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। क्या आपको पता है अगले 40-50 वर्षों में के बाद हमारी सारी खेती योग्य भूमि बंजर हो जाएगी। रिसर्च कहता है कि खेती करने के लिए भी भूमि में मिनिमम 3% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह 1 से लेकर 3% तक है, वहीं भारत में मात्र 0.5% बचा है। प्रति सेकंड विश्व में 1 एकड़ ज़मीन बंजर हो रही है, तो आप गणना कर लीजिए कि कितनी तीव्र गति से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं हम। पर्यावरण को हम मनुष्य जितनी हानि पहुंचा सकते थे पहुंचा चुके,
अब प्रकृति हमें नुकसान पहुंचा रही है। आज से 100 वर्ष पहले किसी भी फल में जितने अधिकतम न्यूट्रिशंस होते थे उसका 10% भी उनमें आज शेष नहीं बचा है। आप संतरे को ही ले लीजिए, उसमें पहले से यदि 100% न्यूट्रिशंस होते थे तो आज मात्र 10% बचा है। मतलब है आप आज 100 संतरे खा लीजिए और आज से 100 वर्ष पहले का एक संतरा बराबर था। स्थिति इतनी भयावह है जिसको अगर सब लोगों ने मिलकर के सही कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में जीवन दुर्लभ हो जाएगा। हम आज भी ना चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ी भूख से मरेगी। इसे टालने का एकमात्र उपाय है संसाधनों का सीमित उपयोग, पेड़ लगाना, केमिकल और फर्टिलाइज़र को तिलांजलि देना, गाय भैंस आदि पालिए, उनके गोबर मूत्र और प्राकृतिक खाद का प्रयोग कीजिए, केचुआ पालन कीजिए तो शायद स्थिति नियंत्रण में आए, लेकिन एक या दो लोगों के प्रयास से नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को इसका ध्यान रखना होगा, लोगों को जागना होगा, अपने ना सही अपने बच्चों को तो सभी को प्यार होगा, तो उन्हें शुद्ध भोजन और जल मिलता रहे ये हम नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा। विचार कीजिए, जल है तो जीवन है।